हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और ICAR के बारे में जानते हैं। हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें और कहां पर एडमिशन लें, क्या करें, तो चलिए आइए। ICAR एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन पा सकते हैं। जो ICAR से एफिलिएटेड होगी वही यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन पा सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलिए आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चार मात्र यूनिवर्सिटियां हैं ऐसी जिसमें एग्रीकल्चर की होल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है। इसकी एंट्रेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक, इसकी भी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। जार्ग जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, इसमें भी आप एडमिशन पा सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एडमिशन अगर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और साथ में स्टडी भी, एजुकेशन भी मिलती है। चलिए अब आइए, आपको एग्रीकल्चर के स्कोप में जाने के पश्चात, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके तो फिर क्या करेंगे, तो हम बता रहे हैं आपको। इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इस संस्था के अंतर्गत आप जॉब पा सकते हैं। क्रिप्को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। TA टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, उसमें भी आप पा सकते हैं। बाकी काफ़ी भी ऐसी काफ़ी जॉब्स हैं जिसमें आप आसानी से, कृषि से संबंधित हैं जिसमें आसानी से आप नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं, उनका एक मोटो है, उठो जागो और तब तक ना मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत हो। तो ठीक, आप भी उठिए, अराइज करिए अपने आप को, खुद को, और खुद के अंदर मोटिवेट हो जाइए, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आसानी पा सकें। सेल्फ डिपेंड बनिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए, पढ़ने के पश्चात आप बुक्स को क्लोज कर दीजिए। बुक्स को क्लोज करने के पश्चात आप उसको जितना पढ़े हैं उतना मटेरियल आप एक नोट में अपने खुद हैंडराइटिंग में लिख लीजिए। लिखने से आपको 30% याद हो जाएगा तुरंत। ठीक, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, ये काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भूलने का एकमात्र यही तरीका है कि आप बार बार उसको रिवीजन नहीं करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप किसी भी चैप्टर को ओनली 9 बार आप उसको पढ़ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, जितने समय पढ़िए कंसंट्रेट होके पढ़िए। सबसे पहले बात तो ये, आपका एक डिस्टर्ब सूचक यंत्र आपके पास नहीं होना चाहिए, या आप अगर है तो उसको ऑफ करके साइड में रख दीजिए। जो आपका स्मार्टफोन है सबसे खतरनाक है ये, इसका सदुपयोग भी है दुरुपयोग भी है। इसको आप ऑफ करके साइड में रख दीजिए जब भी आप स्टडी करने जाइए। उसके बाद स्टडी करने के बाद आप नोटबुक में लिख लीजिए, वो आपका कभी जिंदगी भर नहीं भूले, मेरा गारंटी है। मॉर्निंग में जगिए, वॉक करिए, मॉर्निंग में पढ़ने के पश्चात जगिए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए इत्यादि। उसके तत्पश्चात आप थोड़ा योगा वगैरह कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। व्यायाम करने के पश्चात आप
नोटबुक उठाइए अपना, पढ़ना स्टार्ट करिए, मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के पश्चात दिन में समय मिलता है तो दिन में क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं तो समय नहीं मिलता, फिर शाम को आइए इवनिंग में। तो अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा दूर रहिए, सोशल में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको सामाजिक दूरियों से दूर रहना पड़ेगा। सामाजिक दूरी बनाइए, किसी से ज्यादा व्यवहार मत रखिए, मित्रवत व्यवहार या जो भी हो। आप जब भी जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे तो आपसे आप सबसे फिर व्यवहार बनाइए, आप कितने भी बुरे हों, आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी सारी बुराइयां हाइड हो जाती हैं, छिप जाती हैं। और आप जिंदगी में नहीं सक्सेस हो पाते हैं तो आपकी सारी बुराइयां, सभी लोग आपको बुरे कहेंगे, पूरा समाज आपको बुरा कहेगा। तो इन कुरीतियों से आप दूर रहिए, और सबसे पहले तो यह डिजिटल सूचक यंत्र से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए, ज्यादा इसका दुरुपयोग मत करिए। जीवन में आपसे गलतियां भी होती हैं और उन्हीं गलतियों से आप सीख लीजिए, ना कि उन्हीं गलतियों को दोबारा रिपीट करिए। मान लीजिए हमसे ही गलती हो गया, मान लीजिए इसको की जगह पे मैंने सी न लिख करके इसको के लिख दिया तो गलत हो गया ना, तो आप इसको नज़रअंदाज कर लीजिएगा, आप अपने अंदर सुधार भी कर, आप अपने पास से सुधार कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। ये 1400 ग्राम की खोपड़ी जो है ये सब हमेशा निरंतर एक जैसे नहीं रहती है, तो इसलिए आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और प्रेस द बेल आइकन।